मैं डॉक्टर किशोर पंजवानी हूँ, आगरा से ही बिलोंग करता हूँ और इस समय ऑल इंडिया पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपिक एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। चेयरमैन पोस्ट एक प्रेसिडेंट की तरह डेजिग्नेशन होता है और अगले चार दिन तक आगरा में 19th नेशनल पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपिक की कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पहला दिन 7 तारीख का प्रोग्राम सिनर्जी हॉस्पिटल बाईपास रोड पे होगा, जो कि प्री कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में हम लोग 3 सब्जेक्ट पे मेनली उस पर चर्चा होगी। पहला सब्जेक्ट है बच्चों की सांस की नली में सर्जिकल जो प्रॉब्लम होती है उनके ऑपरेशन और उनके प्रॉब्लम्स पे होगा। दूसरा जो होगा अपर जी आई लोअर जी आई एंडोस्कोपी होती है, जिससे कि बच्चों को भी आजकल एसिडिटी की दिक्कत, टट्टी के रास्ते खून आना, उसके का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन उनकी प्रॉब्लम्स का डॉक्टर संजय शर्मा के नेतृत्व में होगा और उसमें डॉक्टर आशीष मनोचा लंदन से आ रहे हैं, वो भी उसके अपने ज्ञान को प्रकाश डालेंगे और दुनिया लोग उनसे फायदा लेंगे। तीसरा जो सब्जेक्ट है बच्चों के गुर्दे और पेशाब की नलियों की जो पथरी होती है उनके ऑपरेशन का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होगा, जिसको फिर डॉक्टर लक्ष्मीत सिंह पूना से और आगरा से प्रोफेसर प्रशांत लवानिया उनको उस पर अपना प्रकाश डालेंगे। ये प्रोग्राम कल सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक होगा। बाकी 3 दिन का प्रोग्राम वो ललित कला संस्थान में, जो कि इंस्टीट्यूट है पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन का जो बाग फरजाना में, वहाँ पर होगा। 8 तारीख को जो होगा CME डे है, जिसमें कि पूरे ऑल इंडिया से 250 डॉक्टर्स आ रहे हैं और उसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग लेक्चर्स देंगे, जिससे कि जूनियरों को उसका लाभ मिल सके और आपस में इंटरेक्शन है। कुछ पैनल डिस्कशन भी किए गए हैं। हमारे साथ इस समय डॉक्टर रॉबर्ट एंथोनी हैं, जो कि बच्चों की सर्जरी जो दूरबीन से होती है उसके कॉम्प्लिकेशन पर उन्होंने एक पैनल डिस्कशन का मॉडरेटर हैं और बाकी भी पूरे इंडिया से लोग उस पर लेक्चर्स देंगे। और शाम को 6 बजे इस कॉन्फ्रेंस का विधिवत उद्घाटन होगा। उस उद्घाटन के जो चीफ गेस्ट हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर प्रोफेसर एम श्रीनिवास हैं, जो भी अपने आप में भी एक पीडियाट्रिक सर्जन हैं, हम लोग के सहयोगी हैं और अपने कैपेबिलिटी की वजह से उनको इतनी बड़ी पोस्ट दी गई है, वो उसका इनॉग्रेशन करेंगे। और मास्टर ऑफ सेरेमनी रामसन ग्रुप के चेयरमैन श्री किशोर खन्ना जी रहेंगे और उसमें विशेष अतिथियों का भी सम्मान किया जाएगा, जैसे उसमें आगरा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर प्रशांत गुप्ता का और BHU के रिटायर्ड हेड ऑफ डिपार्टमेंट प्रोफेसर एन गांगुली और प्रोफेसर HD मौर्या साहब का भी बहुत योगदान रहा है आगरा में लेप्रोस्कोपी को डेवलप करने में। इन तीनों का विशेष सम्मान किया जाएगा और कुछ जो पूरे इंडिया से पीडियाट्रिक सर्जन हैं जो कि उन्होंने स्पेशल योगदान दिया है उनका भी सम्मान किया जाएगा। और उस कार्यक्रम के बाद वहीं पर ही डिनर का आयोजन है। 8 और 9 तारीख को गैलेक्सी हॉस्पिटल में लाइव ऑपरेशन का डेमोन्स्ट्रेशन होगा और ये ऑपरेशन मेरे नेतृत्व में होंगे और ये ऑपरेशन का रिले ललित कला संस्थान में होगा, जिसमें कि पूरे इंडिया से आए हुए जूनियर लोग उसको उससे अपना अनुभव बढ़ाएंगे और सीनियर लोग उसमें अपने अनुभवों का डिटेल बताएंगे, जिससे कि हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है और उसमें ये होता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट पॉसिबल। और इसी प्रोग्राम के अंतर्गत कुछ हमारे इंडिया के 4-5 पीडियाट्रिक सर्जन्स ने पीडियाट्रिक लेप्रोस्कोपी की टेक्स्ट बुक बनाई है अलग से, जिससे कि सब लोग उसको पढ़ सके, उसका भी उसमें उद्घाटन होना है। तो कुल मिला के ये 3.5 दिन का कंप्रेंसिव प्रोग्राम है। इस कंप्रेंसिव प्रोग्राम में हमें उम्मीद है कि मरीजों को भी लाभ होगा, क्योंकि मरीजों को हम जो दूरबीन विधि से ऑपरेशन कर रहे हैं वो आगरा में काफ़ी कुछ डेवलप हो चुकी है पिछले 20 साल में।